हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड एक्सपर्ट में। आज हम तीन चीज़ों से मिलकर बनाएंगे सूजी की पंजरी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें अब हम डालेंगे हमारा देसी घी। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे हमारी सूजी। देखिए, हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हमारी सूजी डालेंगे। ये पंजरी खाने में जितनी स्वादिष्ट है, उतनी ही पौष्टिक भी है। तो चलिए इसमें अब हम सूजी ऐड कर देते हैं। हमने एक कटोरी सूजी ली है, वो हम इसमें डालेंगे और सूजी को अच्छी तरह भूनेंगे। ध्यान रखिए, सूजी का कलर चेंज नहीं होने देना है, इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। देखिए, सूजी हमारी भून रही है। जब मीठा खाने का कुछ मन करता है तो इस पंजरी को बनाइए और खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। देखिए, हमारी सूजी धीरे धीरे भून रही है, इसने अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है। हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसको हमें इसी कलर में रखना है। बस उस स्टेज तक हमें इसको भूनना है जब तक इसमें खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो ये भून चुकी होती है। चलिए अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने वापस वही पैन ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा आधी कटोरी पानी। जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी, उसी से ही हमने आधा कटोरी पानी ले लिया है। अब इसी में ही हमने एक कटोरी चीनी डालनी है। जितनी हमने सूजी ली थी, उतनी ही हमको चीनी लेनी है। अब इसकी हम बनाएंगे चाशनी। पाँच मिनट में बन जाएगी ये आपकी चाशनी भी। देखिए, चीनी घुलनी शुरू हो चुकी है। कैसे इसमें झाग ऊपर आ रहे हैं। अभी हमको ये एक तार की चाशनी बनानी है। इसमें हम दो इलायची भी ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। इसको मिक्स करेंगे और इसको अब हम चेक करते हैं कि हमारी चाशनी बन गई है क्या। हम इसी में से ही थोड़ी सी लेंगे, ठंडा कर इसको हम चेक करेंगे। देखिए, हमने फिंगर पे लिया है और हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। चाशनी हमारी बन चुकी है, अब हम इसमें जो हमने सूजी भूनी थी, अब हम इसको इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिए है। मिक्स करके हमें इसको ज़्यादा देर इंडक्शन पर नहीं रखना है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसको हम घी से ग्रीस करेंगे। अब हम इसमें हमारी जो हमने सूजी की पंजरी जमाई थी, उसको अब हम डाल देंगे। चलिए, इसको अब हम फैला लेते हैं, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब हम इसको अच्छे से फैला लेंगे, वरना ये एकदम टाइट हो जाएगी। हमने इसको फैला लिया है और इसको अब हम ठंडा होने का वेट करेंगे। लेकिन इसको हमें ज़्यादा देर ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर ये एक बार टाइट हो जाएगी तो ये पंजरी कटेगी नहीं। चलिए, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। पाँच मिनट में ये ठंडी हो जाती है।
हमने इसको सेट कर लिया है। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी पंजरी जम चुकी है। अभी ये थोड़ी गर्म है इसलिए हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। एक बार ये पूरी तरह ठंडी हो जाएगी तो ये नहीं कटेगी। देखिए कितनी अच्छी पंजरी बनी है हमारी, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारी पंजरी बनकर तैयार है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। लीजिए तैयार हो चुकी है हमारी पंजरी, यह है सूजी की पंजरी। थैंक यू।